बोलते हैं, तो आपका 5-10-20 रुपीस का आपका ये तो हो गया डिस्प्ले। अभी हमको अभी कमाना है, क्योंकि अभी आप लोग जुड़े हैं, इन्वेस्ट किए हैं, एडर तो चीज है कि प्रॉफिट, आपको रेवेन्यू कितना आ रहा है, ईयर एंड में आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो अभी उसके लिए अगर हमको देखना है तो हमको अभी प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि आप अभी क्लब मेंबरशिप में आपका जैसे कि रॉयल क्लब है, अगर आप एवरेज में 200 केसेस का आप अगर मंथली बिलिंग करते हैं, अगर आपका इसमें आपका रह रहा है, आपका एक्सपायरी सपोर्ट रह रहा है 66,000 का रह रहा है आपका एक्सपायरी सपोर्ट, साथ ही साथ आपका सेल्स मैन सपोर्ट रह रहा है 60,000 का, और 35,000 का आपका रह रहा है ईयर एंड में बोनस मिल रहा है, यानी कि आपको एडिशनल 1,56,000 का आपको बेनिफिट मिल रहा है, जिसका आपका लास्ट डेट कल का है क्लब मेंबरशिप का। बता दूं आपको आपका इसमें जैसे कि आपको क्या लगता है कि ये सारा बेनिफिट्स मिलने के बाद आपका बिजनेस और कितना ग्रो होगा? नॉर्मली एक्सपायरी का केस आप लोगों को कितना आपका फेस होता है? 1-5% आप पकड़ लेते हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि चाहे आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो या ना हो, ये जो आपका एक्सपायरी के लिए जो अमाउंट है ये आपको मिलेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि आपका ये जो रहा एक्सपायरी सपोर्ट और सेल्समैन सपोर्ट का जो अमाउंट है, ये आपका क्वार्टरली, हाफली एंड एनुअली अचीवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका 200 के एवरेज में अगर 600 आप कार्टन्स का बिलिंग करा रहे हो, तो आपका लास्ट पे ना आपका सर्टेन अमाउंट आपका डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आपका क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको डिटेल्स में कितना आपका रहेगा, ये 1,56,000 आपको किस हिसाब से मिलेगा, इसके डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो एप्लीकेशन में भी अपना फोन देख यूज करके आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स में। अभी आते हैं हमारा इलाइट क्लब में। इलाइट क्लब में अगर हम देखेंगे 150 कार्टन्स में आपको मिल रहा है, इसमें एक्सपायरी सपोर्ट मिल रहा है 40,000 का, 25,000 का आपको सेल्समैन सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ ईयरली बोनस 10,000 का आपको मिल रहा है, यानी कि टोटल 75,000 का आपका बेनिफिट्स बन रहा है। ठीक है, तो इसमें और एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी सर, वो इसका नेक्स्ट वाला स्लाइड देख लीजिए। ये देखिए, अगर आप रॉयल क्लब आपका एक नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे रेड है दो आइटम और ग्रीन है बाकी का आइटम्स वैरायटीज। कोई बता सकता है कि रेड और ग्रीन में डिफरेंस क्या है, क्यों वो दो आइटम रेड है और बाकी का आइटम ग्रीन है? रेड वाला एक्सपायर हो चुका है और ग्रीन वाले सब चल रहे हैं इसलिए। अच्छा, रेड वाले में क्या आइटम्स है सर? कोई बताना चाहेगा? 5 and 10 का प्रोडक्ट रेड में है और बाकी का प्रोडक्ट ग्रीन में है। तो बता सकते हैं कि 5 and 10 का प्रोडक्ट रेड में क्यों है? एग्जैक्टली करेक्ट, मधुकर जी के लिए एक बार जोरदार से तालियां। ₹5 और 10 वाले प्रोडक्ट हम लेके आए थे खाली अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एक बार अवेयरनेस क्रिएट हो गई ना, तो जो कमाने वाले प्रोडक्ट है वो आप लोगों के लिए कौन से? बड़े पैकेट, जो छोटे ट्राइल पैक होते हैं ना, चिक शैम्पू वाले, क्लिनिक प्लस वाले, ये सब क्या करते हैं, पहले आप छोटा सा ट्राई कर लो, ₹5 का, ₹2 का, ₹1 का। तो हमने उसी स्ट्रेटेजी से ₹5 और ₹10 वाले प्रोडक्ट लाए कि पहले लोगों को टेस्ट जबान पे लग जाए। एक बार जब टेस्ट लग गया फिर तो वो हमारा प्रोडक्ट ही खाने वाला है, फिर उसको 200 ग्राम लेने में भी कोई हिचक नहीं होगी, 500 ग्राम लेने में भी हिचक नहीं होगी, 1 किलो लेने में भी हिचक नहीं होगी। तो ये छोटे प्रोडक्ट साइज अब हम लोगों को टेस्ट करा चुके हैं, अब आप प्रयास करेंगे लोगों को, अपने रिटेलर्स को बड़े प्रोडक्ट प्लेस करने का, तो बड़े प्रोडक्ट आसानी से ले लेंगे। और जब हम बड़े प्रोडक्ट साइज लेना शुरू करेंगे तो जिस पैकेट पे आपको ₹5 वाला पैकेट पे मान लीजिए ₹142 बचता था एक बॉक्स पे, वही आपको 400 ग्राम वाले पापड़ पे ₹370 बच रहा है, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा बच रहा है। तो हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, ₹5, ₹10 पे या 400 ग्राम पे? क्योंकि अब जब आप 400 ग्राम का पैकेट लेके जाओगे तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा
अरे आप पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, बोलेगा क्या, बोलेगा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर चुके हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो यहाँ पे